दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंतर्गत सेमेस्टर वाइज और चैप्टर वाइज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज लेकर के आ रहा था, उसी कड़ी में यह अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो। और दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कुछ टूल्स के बारे में बात किए थे, तो कुछ टूल्स छूट गए थे, तो उन टूल्सों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और लगभग इस वीडियो के बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव हूँ और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला टूल है रॉल प्लग टूल। यह दोस्तों यह पत्थर की दीवार में छेद करने के काम आता है। इसका होल्डर माइल्ड स्टील व बिट कार्बन स्टील का होता है। यह दोस्तों पत्थर की दीवार में, जैसा कि अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, कुछ इस तरह से ये होता है हमारा जो रॉल प्लग टूल होता है। इसका उपयोग धातु की चादरों पर नहीं करना चाहिए, केवल और केवल पत्थरों पर ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप धातु की चादरों पर करोगे तो ये आगे का हिस्सा इसका बैंड हो जाएगा। इसलिए आप इसका उपयोग केवल और केवल पत्थर की दीवार पर या सिंपल दीवारों पर ही करिए जहां पर आपको छेद करना हो। अगला है फेज टेस्टर। दोस्तों टेस्टर के बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, जो कि टेस्टर के बारे में और बेहतर जानकारी आपको मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके ब्लेड की लंबाई प्रायः 8 सेंटीमीटर होती है। इसके हैंडल में एक कार्बन प्रतिरोध, एक नियॉन लैंप, हैंडल के ऊपर धातु कैप होता है। इससे फेज की उपस्थिति की हम जांच करते हैं। यह 500 वोल्ट तक ही कार्य करता है। यह 500 वोल्ट तक इसलिए दोस्तों कार्य करता है क्योंकि जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम का होता है। अगर आप उसके रेजिस्टेंस को, ये सारी चीजों को अगर आपने समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। टेस्टर के बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि टेस्टर हमें कैसे कैसे बनता है, क्या क्या करता है, पूरी डिटेलिंग आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगला है इलेक्ट्रीशियन चाकू या इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इसका उपयोग तारों पर से पीवीसी उतारने में करते हैं। पीवीसी को उतारने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इससे दो ब्लेड होती हैं, इसमें दो प्रकार की ब्लेड होती हैं, जिसमें से एक ब्लेड जो होती है वह तेज धार की होती है और दूसरा जो होती है वो थोड़ा कम धार की होती है। जिसमें से जो पहली ब्लेड होती है उससे हम इंसुलेशन उतारने में हम उसका प्रयोग करते हैं, तथा दूसरी जो ब्लेड होती है उससे हम इनेमल, जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइंडिंग के लिए या जो हमारे तारे होती हैं उनके ऊपर एक इनेमल इंसुलेशन चढ़ाया गया जाता है, उस इंसुलेशन को हम जो कम धार वाला ब्लेड होता है उसके माध्यम से हम उतार देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, कुछ दो प्रकार की इसकी ब्लेडें होती हैं जो कि हम इन उपयोग में इनका उपयोग करते हैं। अगला है टेस्ट लैम्प। टेस्ट लैम्प दोस्तों इसका उपयोग फेस टू न्यूट्रल और फेस टू फेस चेक करने में इसका उपयोग हम करते हैं। यह सिंगल तथा डबल दोनों प्रकार का होता है। यह बताता है कि विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं। यह दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही कॉमन इक्विपमेंट है। इससे इलेक्ट्रीशियन बहुत ही आसानी से किसी भी सर्किट को चेक कर लेता है। और दोस्तों यह दो प्रकार का होता है, इसको हम दो प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। पहला सिंगल लैंप, दूसरा डबल लैंप। डबल लैंप से हम 440 तक को नाप सकते हैं क्योंकि 100-100 वाट के दो बल्ब हो जाएंगे, इसलिए हम 440 तक नाप सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो होगा हमारा वो 200 वाट का होगा। और जो सिंगल लैंप होगा उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा 100 वाट का होगा, इसलिए सिंगल लैंप से हम कभी भी 440 को नहीं नाप सकते, फेस टू न्यूट्रल ही हम नापेंगे। और जो डबल लैंप होंगे उससे हम फेस टू फेस मतलब 440 वोल्ट को हम मेजर कर सकते हैं। तो यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण औजार है इलेक्ट्रीशियन के लिए। अगला है सेंटर पंच। सेंटर पंच दोस्तों यह भी काफी महत्वपूर्ण औजार होता है। यह कठोर स्टील का बनाया होता है। पंच में 90 डिग्री के कोण पर पंच को
पंच को 90 डिग्री के कोण पर लगाना चाहिए। जो पिक पंच होता है वह उसका जो कोण होता है वो 30 अंश तथा 60 अंश का होता है। या दोस्तों सेंटर पंच जो होता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पर ड्रिल करना है, सेंटर पंच जैसा आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो कुछ इस तरह से ही होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको ड्रिल करना है और आप जब ड्रिल की जो बिट है आप ऐसे लगाओगे तो वहां पर क्या होता है, जब आप ड्रिल को चलाओगे तो वो फिसल जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेंटर पंच से हम पहले एक बार चोट वहां पर मार देते हैं, जिससे वहां पर एक गड्ढा हो जाता है और ड्रिल को घूमने के लिए एक पूरी ग्रिप मिल जाती है, जिससे ड्रिल घूम करके अपनी छेद बना देता है। और दोस्तों इसका उपयोग हम कई जगह पे करते हैं। एक महत्वपूर्ण भी इसका उपयोग होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो मोटर होता है उसकी जो बैरिंग होती है, बैरिंग एक शाफ्ट में मोटर की जो और रोटर होता है उसके शाफ्ट पर बैरिंग को लगाया जाता है। और जब मान लीजिए ये हमारी मोटर की शाफ्ट है और इस पर हमने बैरिंग चढ़ा दिया, अब क्या होता है कि काफी दिनों बाद मोटर कई बार जब बाइंडिंग होती है, बैरिंग बदली जाती है, तो इसकी जो शाफ्ट होती है वो पतली हो जाती है बैरिंग की वजह से, क्योंकि बैरिंग का हर बार तो बैरिंग नई साइज में आती है, शाफ्ट तो हमारी वही पुरानी वाली ही रहती है। बार बार बैरिंग ऊपर नीचे होने से जो बैरिंग की जो साइज होती है वो तो कांस्टेंट ही रहती है, जितने एमएम की है उतने एमएम की ही रहेगी। तो क्या होता है कि ये जो शाफ्ट होती है वो घिस जाती है। तो हम क्या करते हैं, अब बैरिंग इसमें जब हम लगाते हैं तो बैरिंग पूरी ऊपर आगे पीछे पूरी हो जाती है, क्योंकि बैरिंग को टाइट होना चाहिए, बैरिंग आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जहां पर हम उसको फिक्स कर दें वहां पर ही वो बनी रहना चाहिए। लेकिन जब शाफ्ट की साइज पतली हो जाएगी तो बैरिंग तो हमारी ऊपर मतलब इधर उधर खिसकेगी। उस कंडीशन पे हम बैरिंग को फिट करने के लिए भी हम सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। तो हम करते क्या है कि सेंटर पंच को जहां पर शाफ्ट हमारी अंतिम जो शाफ्ट का जो अंतिम हिस्सा होता है जहां पर बैरिंग आकर के रुक जाती है वहां पर हम सेंटर पंच मार देते हैं। तो क्या होता है कि जब सेंटर पंच जहां पर चोट मारेगा वहां से कुछ लोहे के पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं, जो कि कट के बाहर नहीं गिरते हैं, उसी जो हमारा रोटर है उसी में लगे रहते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा जो रोटर होता है उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है बाबरी के कारण, और फिर जब हम बैरिंग को चढ़ाते हैं तो बैरिंग एकदम टाइट बैठ जाती है। सेंटर पंच का उपयोग बैरिंग को भी सही तरीके से बैठाने के लिए करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है बैरिंग हमारा। अगला है दोस्तों ट्राई स्क्वायर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लाइक वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों तो ज़रूर डिसलाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है। मुझे आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है दोस्तों। ट्राई स्क्वायर जो है दोस्तों इसमें 15-20-30 सेंटीमीटर लंबाई वाला ब्लेड होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा ट्राई स्क्वायर होता है। इसे हम गुनिया भी कहते हैं, ठीक है, ये गुनिया की तरह भी हम इसका उपयोग करते हैं, मतलब कुल मिलाकर के हम इसे 90 डिग्री मेजर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वायरिंग जैसे मान लीजिए वायरिंग जा रही है और उसको 90 डिग्री पर हमें मोड़ना है तो भी हम ट्राई स्क्वायर का ही उपयोग करके हम उसको 90 डिग्री पर मोड़ देते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसमें स्केल भी लगी हुई होती है, इससे हम इंचेस और सेंटीमीटर को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण औजार होता है ये। अगला है दोस्तों वायर गेज। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है वायर गेज। इसकी सहायता से हम चद्दर तथा वायर की नाप की जाती है। इसमें दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कुछ इस तरह से ये वायर गेज होता है, इसका पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज भी होता है। इसका दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि जो खुला हुआ हिस्सा है वहां पर हम चादर, कोई भी चादर होगी, हम उसको डाल करके हम उसका डाया नाप लेंगे कि वो कितनी मोटी है। तो जिसमें इसको नापने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए हम जिस डाये में, जिस जो खांचे में चद्दर आसानी से चली जाए और बहुत लूज भी ना हो और बहुत टाइट भी ना हो, तो वही साइज हो जाएगा उस चद्दर का वही साइज होगा हमको नापने के लिए। और हमें मान लीजिए किसी तार का हमें स्क्वायर एमएम नापना है, तो जो बीच वाला हिस्सा है, जो गोल सा हिस्सा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो गोल सा हिस्सा है उसमें हम तार को आराम से डालेंगे कि जो ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो, आसानी से वो तार अंदर बाहर हो जाए। तो जिस गोल सर्किल में आसानी से तार अंदर बाहर हो जाएगा वही उस तो तार का वायर वो होगा स्क्वायर एमएम होगा। तो
काफी महत्वपूर्ण भाग होता है, काफी महत्वपूर्ण औजार होता है वो स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला है फाइल। फाइल या इसी को हम दोस्तों रेती भी बोलते हैं। रेती जो होती है दोस्तों, इसका उपयोग खुरदरी सतह को हम रगड़कर प्लेन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यह दोस्तों कई प्रकार में आती है। लंबाई के अनुसार जो रेती हमारी होती है वो 10, 15, 20, 25, 30 और 35 सेंटीमीटर में इसकी लंबाई हमारी सामान्यतः होती है। ग्रेड के अनुसार दोस्तों यह रफ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ प्रकार की रेतियां होती हैं, जो कि हमारी ग्रेड के अनुसार है। कट के अनुसार दोस्तों ये सिंगल कट, डबल कट, कर्व्ड कट प्रकार की कुछ और भी रेतियां हमारी होती हैं, तो नॉर्मली हम इनका ही उपयोग करते हैं, जो कि सिंगल कट और डबल कट और कर्व्ड कट में रेतियां आती हैं, हम इन्हीं का लगभग उपयोग करते हैं। आकार के अनुसार दोस्तों ये फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, उसके बाद कुछ और प्रकार की रेतियां होती हैं, नॉर्मली हम इन्हीं का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 250 मिलीमीटर लंबी जो रेती होती है हम लगभग उसी का उपयोग करते हैं जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है काम करने के लिए, क्योंकि किसी भी सरफेस को हमें अगर प्लेन करना है तो हम फाइल का ही उपयोग करेंगे। तो अगला है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन जो होती है दोस्तों, इसका उपयोग धातु व लकड़ी की तीव्रता से छेद, धातु व लकड़ी में तीव्रता से छेद करने में हम इसका उपयोग करते हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण औजार होता है दोस्तों। यह यूनिवर्सल मोटर होता है, आगे हम चर्चा करेंगे थ्योरी में, जब हम मोटर पर चलेंगे तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि यह यूनिवर्सल मोटर होती है, तो इसमें कार्बन ब्रश लगा हुआ होता है। ये काफ़ी, इसका जो आरपीएम होता है वो 2800 आरपीएम के आसपास होता है, 3000 आरपीएम के आसपास होता है। इसमें दो पोल होते हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है इलेक्ट्रीशियन के काम करने के लिए। कहीं पर भी छेद करने के लिए, होल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, खास करके वायरिंग में जो भी होल होता है हम इसी से करते हैं। अगला है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग एल्युमिनियम तथा कॉपर लग को केबल के सिरे पर फिट करने में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से क्रिम्पिंग टूल हमारा होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम केबल को छील लेते हैं, छीलने के बाद हम इस क्रिम्पिंग टूल की मदद से हम लग जो होता है, जो कि पकड़ अच्छी बनाता है, मान लीजिए हमारा MCB है या ब्रेकर है किसी भी जगह पर, तो वहाँ पर हम लग का, केबल के आगे हिस्से में हम लग का उपयोग कर देते हैं, लग लगा देते हैं। इसमें ओ टाइप, पिन टाइप, यू टाइप, कई प्रकार के लग होते हैं, तो उन लगों को हम इसी क्रिम्पिंग टूल की मदद से क्लैंप करते हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छी पकड़ के साथ टाइट हो जाता है। तो क्रिम्पिंग टूल काफ़ी महत्वपूर्ण औजार है इलेक्ट्रीशियन के लिए। अगला है दोस्तों वाइस। इसमें दो जबड़े होते हैं जो कि जॉब को पकड़ते हैं। सामान्य कार के लिए 10 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर वाले वाइस की आवश्यकता पड़ती है। यह दोस्तों दो प्रकार के, इसमें दो प्रकार के जबड़े होते हैं, उनको हम एक चूड़ी की मदद से टाइट कर देते हैं, ये जॉब को पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम उस जॉब को किसी भी तरह से जिस तरह हमको जरूरत होगी, क्योंकि हमें किसी काम को करने के लिए पहले उसको जॉब को पकड़ना पड़ेगा और फिर हम उस पर काम करेंगे, तो जो पकड़ने का काम होता है वो जो हमारा बेंच वाइस है वो कर देता है और फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो बेंच वाइस काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कुछ इस तरह से ये होता है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय विद्युत कोड। इसमें आइए बात करते हैं कि राष्ट्रीय विद्युत कोड क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय विद्युत कोड यह एक नियम के अनुसार एक नियम है, जो कि जिसका हम पालन करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल है वो इसी के अनुसार चलता है। इसमें क्या है, सामान्य घर में 10 पंखा व लाइट के तथा, मतलब 10 पंखे के व लाइट के, मतलब लाइट और पंखे के मिला करके 10 और पावर के 2 पॉइंट होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी घर में। मतलब एक कमरा है उसमें पंखे के 10 अधिक से अधिक, पंखा और लाइट मिला करके 10 अधिक से अधिक और 2 पावर के पॉइंट होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद लाइट, फैन,
का 800 वाट तथा पावर का 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए लोड एक घर पे। इसके बाद है स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के बाईं ओर होना चाहिए, जैसा कि आप घर में प्रवेश करो उसके बाईं ओर मेन दरवाजे के बाईं तरफ स्विच बोर्ड होना चाहिए, और उसकी जो जमीन से ऊंचाई होनी चाहिए, फर्श से ऊंचाई होनी चाहिए, वो 1.3 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा स्विच बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हो 1.3 मीटर। ऑप्शन भी आता है 1.3 मीटर, अक्सर गलती हो जाता है, तो लगभग इससे मिलता जुलता ही ऑप्शन दे देते हैं 1.4 मीटर, 1.35 मीटर, तो आप जान लीजिए 1.3 मीटर ही उसकी ऊंचाई होती है। अगला है लाइट फैन 5 एम्पियर तथा पावर 15 एम्पियर 240 वोल्ट का होना चाहिए, इनकी फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर से नीचे रखनी हो तो ढक्कन लगा करके हम इसका उपयोग करेंगे। जो भी अगर हम 1.3 मीटर से अगर हमें नीचे रखना है तो हमें उस पर ढक्कन लगा देना चाहिए, जो हमारा जो सॉकेट होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, 5 एम्पियर का सॉकेट होगा लाइटिंग के लिए और पावर के लिए 15 एम्पियर का। इसके बाद दोस्तों क्या है कि छत का पंखा फर्श से न्यूनतम, जो छत का पंखा होता है वो फर्श से न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधिकतम 3 मीटर हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या इससे नीचे नहीं होना चाहिए। यह अक्सर एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है कि जो पंखा होता है वो फर्श से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो अधिकतम कम से कम 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर से आसपास ही होना चाहिए, इसी के बीच में होना चाहिए। अगला है वायरिंग में अर्थ अवश्य होना चाहिए, अर्थिंग अवश्य करें आप, जब भी आप वायरिंग करवाएं तो अर्थिंग जरूर करवाएं। इसके बाद है सभी प्रकार की लाइट फर्श से 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जो भी लाइट हम अपने घरों में उपयोग करते हैं लगाते हैं उनकी जो जमीन मतलब जो फर्श से ऊंचाई होनी चाहिए वो 2.25 मीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर ही होनी चाहिए। तो मतलब ये समझ लीजिए कि जो हमारा बोर्ड होगा वो 1.3 मीटर या इससे नीचे रखना है तो हमको उसको ढक्कन लगा के रखना पड़ेगा, और जो हमारा पंखा होगा वो 2.4 मीटर से 3 मीटर के बीच में होना चाहिए, और जो हमारा लाइट होगी वो 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है मध्यम तथा उच्च वोल्टेज 650 वोल्ट से 11000 वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीनों में डबल अर्थिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों जो लो वोल्टेज है और हाई वोल्टेज है इनमें डबल अर्थिंग तो जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा जो चैप्टर से संबंधित जो मटेरियल था, इसके बाद हम अभ्यास सार पे बात करेंगे। ये दोस्तों अभ्यास सार है, आइए इन पर भी कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि धातु के छोटे छोटे टुकड़ों व तार की आकृति देने के लिए नोज प्लायर को हम उसका उपयोग हम नोज प्लायर को पकड़ नोज प्लायर ही उसको पकड़ता है और उसका उपयोग हम उसी काम के लिए करते हैं। बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग हम करते हैं, जो बेलनाकार वस्तुएं होती हैं उनको पकड़ने के लिए हम कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग करते हैं। अगला है रॉड प्लग टूल व होल्डर का होल्डर माइल्ड स्टील व बिट कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, यह एग्जामों में भी पूछ लेता है कि जो हमारा रॉयल प्लग टूल होता है उसका होल्डर तथा उसकी बिट किस किन चीज़ों की बनी हुई होती है, तो माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। अगला है फेज टेस्टर 500 वोल्ट तक ही कार्य करने में सक्षम होता है, एग्जाम में भी आता है कि टेस्टर कितने वोल्ट तक कार्य कर सकता है, तो 500 वोल्ट तक ही कार्य कर सकता है। अगला है सेंटर पंच हमेशा 90 डिग्री पर ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आप कोई दूसरी डिग्री करोगे तो सेंटर पंच फिसल जाएगा और आपको चोट भी लग सकती है। अगला है 1 mm से 1 mm के 100वें भाग का मापन माइक्रोमीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है, 1 mm के 100वें भाग का भी मापन हम माइक्रोमीटर से आसानी से हम कर सकते हैं। अगला है सोल्डरिंग आयरन 15 से 25 वाट तक प्रयोग में आता है, इलेक्ट्रीशियन के प्रयोग में, इलेक्ट्रिकल कार्य के प्रयोग में 15 से 25 वाट का जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है वो प्रयोग में आता है। अगला है
मध्यम व उच्च वोल्टेज के लिए 600 उच्च वोल्टेज में 650 वाट से वोल्ट से लेकर के 11000 वोल्ट तक के लिए डबल अर्थिंग का उपयोग होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे दूसरे चैप्टर का, लगभग यहाँ पे समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइएगा कि थ्योरी काफ़ी अच्छे तरीके से इस चैनल पे बताई जाती है। और दोस्तों स्क्रीन अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल जाए। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।